हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं आप सब, सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सब ने सुना कि ईशो राव्या से कहती है कि मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और राव्या उसको कहती है कि तुम्हारा दिया हुआ इमोजी पेपर मैंने संभाल के रखा हुआ है। ईशो कहती है सच्ची में? कहती है हाँ जी सच्ची में। तुम्हें लगता है तुमने पहली बार मुझे कुछ दिया और मैं उसे फाड़ के फेंक दूंगी? वो तो मैंने तुम्हें मुझे देखते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने वो तुम्हारे सामने दूसरा पेपर फाड़ने की एक्टिंग की थी। ये सुन के ईशो बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है। हक करते हुए इधर राबिया के हाथ ईशु की गर्दन पे अपना जादू चला रहे होते हैं। ईशु धीरे से राबिया को पीछे करती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में बड़े गौर से देखते हैं। उसके बाद ईशु उसके फॉरहेड पे किस करती है, देन दोनों आईज पे। कहती है तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। धीरे से उसके होठों के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे होठ ना बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हैं, बहुत ही नर्म, बहुत मुलायम। अरे कहते हुए उसके होठों को बड़े प्यार से अपने उंगलियों से छू रही होती है। उसकी इस हरकत से राबिया का रोम रोम खिलने लगता है। इधर राबिया के हाथों ने ईशु के जिस्म पे अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया होता है। धीरे से ईशु से रहा नहीं जाता और वो अपने होठों को राबिया के होठों पे रख देती है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। तभी नीचे वाले होठों को सक करते हैं तो कभी ऊपर, कभी एक दूसरे को बाइट करते हैं तो कभी एक दूसरे के टंग के साथ खेलते हैं। दोनों बहुत ही पैशनेट किस कर रहे थे। किस करते हुए राबिया किस ब्रेक करती है और अपने होठों को ईशु की गर्दन पे रख देती है, उसे हल्का हल्का किस करती है। ईशु राबिया को अपनी बाहों में लेती है और दोनों बेड पे लेट जाते हैं। उसके गर्दन पे किस करते हुए राबिया हल्का सा बाइट करती है तो ईशु चौंक जाती है। कहती है क्या कर रही हो यार, पेन हो रहा है? कहती है अच्छा सच में? कहती है हाँ। तो वो एक और बाइट उसके गर्दन पे बहुत धीरे से करती है। तो राबिया इस बार ईशु इस बार राबिया का मुंह पकड़ लेती है और कहती है बस क्या है ये? कहती है प्यार, इश्क, मोहब्बत, चाहे जो नाम दे दो। तो राबिया उसे अपनी बाहों में भर लेती है और ईशु और राबिया अपना सर उसके सीने पे रख देती है और कहती है यार I'm so lucky. I really love you, Ishu. I really love you. तो ईशु भी कहती है I love you too. और फिर दोनों ऐसे ही बातें करते हुए सो जाते हैं। सुबह के 10 बजे के करीब सृष्टि और पायल दोनों आकर गेट खोलते हैं और पायल और सृष्टि दोनों अंदर आ जाते हैं। एक साइड
राइट साइड, सॉरी, मतलब दोनों एक एक साइड पे जाके खड़े हो जाते हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। इधर ईश्वर राबिया नींद में घूम एक दूसरे को अपनी बाहों में ले सोए हुए थे। सृष्टि तो सृष्टि है, वो अपने दोस्त को आखिर चैन से सोने कैसे थे। तो वो हल्का सा पानी उठाती है और यीशु के मुंह पर डाल देती है। तो यीशु एकदम से घबरा जाती है अचानक कि ये क्या हुआ, और वो राबिया को लेकर पेट से नीचे गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराती है और बेड के कॉर्नर पे ही दोनों सोए हुए होते हैं। तो जैसे ही उठने की कोशिश करती है एक करवट लेके तुरंत नीचे आ जाती है। तभी राबिया की आँख पे खुल जाती है, दोनों पहले होश में आते हैं और दोनों खड़े उतर। राबिया सृष्टि से कहती है, यार ये क्या हरकत है। सृष्टि बोलती, यार मैं यीशु को जगा रही थी, अब मुझे क्या पता था तुम भी इसके साथ ऐसे नीचे आ जाओगी। तभी पायल कहते, अब इतना टाइटली हक करके रखेगी उसको तो नीचे तो गिरेगी ना। सृष्टि बोलती, लगता है कि ये सारी घटे पार हो गई है रात को। तो यीशु कहते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो सृष्टि कहती है, अरे हाँ ज़रूर, झूठ मत बोल, ठीक है। तो यीशु बोलती, क्या। तो कहती है, हो गई है सारी यादें पार। यीशु बोलती, क्या, कुछ भी अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ओके। सृष्टि बोलती, झूठ। तो राबिया उठकर सृष्टि के कान में बोलती है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई ना सृष्टि मैडम, और तुमने हमें तंग करना बंद नहीं किया ना, तो मैं बता दूंगी कि पायल और आपका क्या चक्कर है। समझ में आया, बहुत तंग कर लिया तुमने हमें, ठीक, चलो अब। तो जैसे सृष्टि जैसे ये सुनती है वो डर जाती है और पायल की तरफ देखती है और कहती है, चलो पायल घर चलना है। पायल बोलती है, तुम्हें क्या हुआ अचानक। तो इशारों में पायल को बोलती है और दोनों ही जल्दी से रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी सृष्टि यीशु राबिया से पूछती है कि तुमने क्या बोला सृष्टि को ऐसा जिससे ये बाहर भाग गए, मुझे भी बताओ। राबिया बोलती है, अपने दोस्त से पूछ लेना, मैं नहीं बताने वाली। अब यीशु भी फिर ज़्यादा ज़िद नहीं करती। तो राबिया उसकी तरफ देखती है तो कहती है, तुमने ज़िद नहीं की। तो कहती है, देखो ये मेरे ज़िद विद करने की आदत नहीं है, अगर तुम्हें बताना होगा तो बता ही दोगी, और नहीं बताना चाहोगी तो नहीं बताओगी। तो ज़िद करके आखिर फ़ायदा क्या है ना। तो राबिया कहती है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर यीशु कहती है, अच्छा अब तुम्हें अपने घर नहीं जाना। राबिया बोलती, यार मैंने कल रात को ही बोल दिया था ना कि कल संडे है, तो मैं यीशु के घर पे रुकूंगी शाम को या कल आऊँगी। तो यीशु बोलते, तो तुम गुस्से में क्यों बोल रहे हो, थोड़ा प्यार लेके आओ अपने अंदर अब मेरे लिए। तो राबिया कहती है, अच्छा तुम इस तरह की बातें अगर कहोगी तो क्या करूँगी मैं, यही बोलूँगी ना, और मुझसे क्या उम्मीद कर रही हो तुम। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं तुम तो मुझे अपने घर से भगाने में लग रही हो। ऐसा नहीं है यार राबिया, कितना तुम चिढ़ने लगी हो। कि अच्छा मैं चिढ़ने भी लगी हूँ, वाह। फिर यीशु कहते, अच्छा सॉरी। तो राबिया कहती, मजाक कर रही हूँ, हर बात पर सॉरी ना कहा करो, हद हो गई है। और इधर फिर यीशु कहती है कि अच्छा जाओ अब शावर ले लो, फिर मैं लेती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है। राबिया शावर लेने चली जाती है। शावर लेते हुए वो उन पलों को याद कर रही होती है जो इसने यीशु के साथ सुबह 4 बजे गुजारे थे। उसे याद करते करते उसको बहुत टाइम लग जाता है शावर लेने में, मतलब बहुत ही ज़्यादा 1.5 घंटा लग जाता है वो शावर के अंदर खड़ी खड़ी, बस पानी चलता रहता है,
शॉवर के अंदर खड़ी रहती है और यीशु के साथ बीते हुए वक्त को याद कर रही होती है। करीबन जब उससे नहीं रहा जाता तो 12 बजे के आसपास यीशु आके गेट बजाती है। सोचती यार ये अंदर कर क्या रही है, और वो ज़ोर से गेट बजाती है। तब जाके कहीं राबिया को होश आता है, वो बोलती है बस आ रही हूँ 20 मिनट में आ रही हूँ। यीशु कहते हैं बेबी तुम इतनी देर से क्या कर रही हो और तुम्हें अभी 20 मिनट और चाहिए। राबिया कहती है यार आती हूँ ना, चुपचाप बेड पर जाके बैठ जाओ। तो यीशु बैठ जाती है, गाने वाने गुनगुनाने लगती है। थोड़ी देर बाद राबिया बाहर आती है तो यीशु बोलती है सो गई थी क्या आप अंदर। तो राबिया शर्माती है तो यीशु पूछते क्या हुआ, शर्मा क्यों रही हो मुझसे। तो राबिया कहते कुछ नहीं, बाल सुखाने दो। और वो विंडो की तरफ चली जाती है और अपने बालों को सुखाने लगती है। तभी यीशु जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है। राबिया कहती है कि ये क्या कर रही हो। तो यीशु बोलती कुछ नहीं बस मन हुआ तो कर लिया, और ये कहकर दूर हट जाती है और बेड पर आकर लेट जाती है। राबिया भी उसके ऊपर आती है, उसके ऊपर लेटती है, उसके सिर को अपने हाथों के नीचे करके अपने हाथ पर रख लेती है और उसको बोलती है कि क्या हुआ यीशु। यीशु बोलते कुछ नहीं, मैं कभी भी आपको आपकी मर्जी के बिना नहीं छुआ करूँगी बस। तो राबिया बोलते क्यों, मेरे ऊपर हक है आपको। यीशु बोलते नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, जब भी मैं आपके पास आऊँगी तो पहले आपसे इजाज़त लूँगी, उसके बाद ही कुछ होगा। राबिया बोलती इतनी शरीफ कब से हो गई यहाँ पर। तो यीशु बोलती है जब से आप आई हो मार मार कर सुधार दिया है मुझे, और गुस्सा भी कितना करती हो। तो राबिया बोलती है अच्छा मैं मारती हूँ आपको और गुस्सा भी करती हूँ। तो यीशु बोलती है हाँ और क्या। तो राबिया बोलती है कि एक बार और मार लूँ। तो कहती है देखो फिर मारने की बात। तो राबिया कहती है अच्छा प्रॉमिस अब से मैं आपको नहीं मारूँगी ठीक है, और फिर उसके चीक पर किस कर देती है। किस करने के बाद बस कभी उसके फॉरहेड पे किस करती है, कभी उसके नेक पे। तो यीशु बोलती बस अब बस कर जाओ, दोपहर हो गई है खाना नहीं खाया है, भूख लग रही है, चलो अब। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो खाना खाते हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है थोड़ा सा तो करने दो ना। तो कहती है नहीं अभी बिल्कुल नहीं, चलो उठो यहाँ से। और ये बोल के यीशु राबिया को अपने ऊपर से उठा देती है, और फिर राबिया नीचे आती है और किचन से खाना लेकर ऊपर रूम में आ रही होती है। तभी उसे यीशु की मम्मा मिलती है और कहती है कि इतना लेट खाना खा रही हो। तो कहती है कि हाँ आंटी वो भूख नहीं लगी थी और आज संडे है ना। तो कहती है टाइम पर खाना खाना चाहिए। तो राबिया मुस्कुराती है और कहती है आंटी संडे था इसलिए लेट कर लिया, आगे से नहीं होगा। और उसके बाद वो रूम में चली जाती है। और उसे कहती है लो खाना खाओ। तो यीशु कहती है थैंक गॉड तुम खाना ले आई, मुझे तो लगा आज तुम्हें देख देख के पेट भरना पड़ेगा। तो कहती है नहीं नहीं मैं खाना ले आई हूँ ना, तुम खाना खा के अपना पेट भरो, मुझे देख देख कर क्यों क्यों पेट भरोगी, तुम अपना खाना खाना खा के पेट भरो ना, मुझे देख के पेट थोड़ी ना भरेगा। और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।